आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है ग्रीन स्क्रीन, क्रोमा, मोशन ट्रैकिंग एंड ड्यूरेशन। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम वीडियो को यहाँ पर ड्रॉप आउट करेंगे, ड्रैग करके यहाँ उठा लेते हैं। तो हम इसको फिलहाल स्कीप प्रोजेक्ट ही करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन। ग्रीन स्क्रीन के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पर वीडियो को डालना पड़ेगा जिसके ऊपर हमारी ग्रीन स्क्रीन हो बैकग्राउंड। तो आज की हम वीडियो को आज की जो वीडियो है इसमें हम ग्रीन, पहले तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ग्रीन स्क्रीन। तो ग्रीन स्क्रीन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम चल देंगे ग्रीन स्क्रीन की। तो ग्रीन स्क्रीन आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन क्रोमा की, और देख सकते हैं कि मेरी सबसे पहले मेरी जो वीडियो है उसके पीछे मेरे यहाँ पर सभी जगह ग्रीन बैकग्राउंड, ग्रीन पर्दा लगा हुआ। और जैसे ही मैंने ग्रीन स्क्रीन के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी जो ग्रीन स्क्रीन है उसका कलर जो है वो चेंज हो चुका। तो मैं इसको यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकता हूँ, इसको ब्लैक कर सकता हूँ, इसको व्हाइट कर सकता हूँ, इसको की मैं गार्निश कर सकता हूँ, इसको एज की थिकनेस को बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। और आप देख सकते हैं एज को फेदर से, यानी कि एज को मोटा या पतला भी कर सकते हैं। ड्रॉप शेडो, लेंस करेक्शन, अगर हमें लेंस करेक्शन कर सिलेक्ट एलिवेशन, ये देखिए इससे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर फनी, थोड़ा सा ये फनी हो गया है, देख सकते हैं। तो आप नीचे जाएंगे तो नीचे सबसे पहले ये, और 4K ये देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी लेंस की जो वीडियो का लेंस है उसके करेक्शन कर सकते हैं। ग्रीन स्क्रीन के अंदर ही आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाती है। तो यहाँ पर आप इसको 4K, मीडियम साइज, नैरो, वाइड भी कर सकते हैं। 4K की वीडियो में क्या होगा कि 4K की जो वीडियो होती है उसके अंदर आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। तो हम इसको 4K ही रखेंगे। एडजस्ट लेवल, यहाँ से आप इसके लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसको नॉर्मली रखूंगा। ड्रॉप ड्रॉप शेडो, तो यहाँ से आप इसके शेडो को ड्रॉप कर सकते हैं। डायरेक्शन, यहाँ से आप अपने डायरेक्शन की सिलेक्शन कर सकते हैं। तो हम इसको ओके कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी ड्यूरेशन की तरफ। तो ड्यूरेशन का है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी वीडियो की जो ड्यूरेशन ये दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरी वीडियो की ड्यूरेशन जो है वो आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा आगे बताऊँ, 1.1 मिनट 14 सेकंड की है, और इसके अकॉर्डिंग भी हमारी यही है। बट अगर हम इसको यहाँ से चेंज कर दें थोड़ा सा, तो देखिये मैं इसको यहाँ पर 09 करता हूँ और ओके। और आप देख सकते हैं कि अब मेरी वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो 0.1 मिनट 9 सेकंड की हो चुकी है। अगर जैसे कि आप शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं या आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो आपको क्या होता है कि आप जैसे कि YouTube के अंदर हम 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो को डाल सकते हैं। बट कभी कभार क्या होता है, जब हम हमारे साथ हमेशा ही ये होता है जब हम वीडियो बनाते हैं तो वो 1 मिनट से ज्यादा चले जाती है, तो हमें उसको कट करना पड़ता है कभी कभार हमको, या जो मेन चीज होती है या मेन पॉइंट होता है हमको वो ही कट करना पड़ता है, फिर जाकर वीडियो जो है वो यूट्यूब के जो पैरामीटर्स हैं उनके अंदर फिट बैठती है। तो यहाँ से आपको सिंपली कोई भी कट नहीं करना पड़ेगा फिल्मोरा के अंदर, आपको यहाँ पे बस ड्यूरेशन के अंदर जाना है। अब मैंने ये वीडियो जो है वो YouTube के लिए बना, तो मैं यहाँ पर सिंपली 1 मिनट, आप देख सकते हैं मेरी वीडियो एक, वैसे ये कट लगा देता है वीडियो के अंदर, कट वीडियो कट गई है, बट आपकी जो वीडियो है वो ड्यूरेशन आपको ज्यादा कट नहीं करने पड़ेगी। ड्यूरेशन को आपको ज्यादा कटिंग नहीं करनी पड़ेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आगे मैं आपको एक इसका ऐसा फीचर बताऊंगा फिल्मोरा का जो कि आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा। तो ये होगा ड्यूरेशन। आगे चलते हैं मोशन ट्रैकिंग। तो मोशन ट्रैकिंग की तरफ हम देख सकते हैं यहाँ पर मैं वीडियो के अंदर घूम रहा हूँ, तो सभी यहाँ पर कर सकते हैं, हमें ना कोई कट करना पड़ेगा ना हमें कोई पैराग्राफ जो है उसे छोट करना पड़ेगा। अब हम उसे वैसे के वैसे ही स्मॉल साइज में कर सकते हैं। देखें आप देख सकते हैं जैसे जैसे मेरी जो स्क्रीन है या मैंने जैसे जैसे कैमरे को मूव ऑन करा है वैसे वैसे ही मेरी जो मोशन ट्रैकिंग की, देख सकते हैं आप मेरी जो मोशन को ट्रैकिंग कर रहा है कि मेरे मोशन कहाँ कहाँ कितने हिले हैं, मेरा कैमरा कितना स्टेबल था, मेरी सर्कुलेशन कितनी है, वो बताएगा। पहले ये मोशन ट्रैकिंग करेगा कि आपने कितना मोशन, जो आपकी जो वीडियो है वो कितनी हिली है या कितनी स्टेबल है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी मोशन ट्रैकिंग नन आ चुकी है, यानी कि मेरी मोशन ट्रैकिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा बुरी है इस वीडियो के अंदर। तो काफी हैरानी की बात है कि मेरी
ड्यूरेशन कि मेरी मोशन जो ट्रैकिंग है वो बहुत ही ज्यादा आ चुकी है इस वीडियो के अंदर। तो चलो हम इसको ओके कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जो सबसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत ही ज्यादा मेन चीज है। तो सबसे पहले आ गया, सबसे मेन पॉइंट जो आता है वो है साइलेंट। सबसे पहले आ जाए, सबसे मेन पॉइंट जो है वो आ जाता है साइलेंट। साइलेंट यहाँ से आप जो मैं अभी आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो इतना कि इतना ज्यादा आपको हेल्प करेगा वीडियो एडिटिंग में। चाहे आप 1 घंटे की वीडियो एडिट कर रहे हो, चाहे वो आप 10 सेकंड की वीडियो एडिट कर रहे हो, जितनी भी बड़ी हो चाहे जितनी छोटी हो, अब आप वीडियो को चुटकी बजाते ही एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर आपको साइलेंस, साइलेंट यहाँ पर जाना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑडियो जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। और आप यहाँ जब जब आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर कट लगा हुआ है फिल्मोरा के, जहाँ जहाँ पर मैंने इस वीडियो के अंदर पॉज लिया है, जब मैंने बोलते बोलते रुका हूँ, वो सभी जो है वो यहाँ पर कट गए हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैं आपको चला के दिखा, अगर मैं ये बड़े वाले कट के ऊपर लेके जाता जहाँ पर मेरी बोलने की आवाज जो है वो नहीं आ रही है, तो मैं यहाँ से आपको चला के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो बड़े वाला कट है जहाँ पर मैंने बोलना बंद किया है या मैंने बोलते बोलते कहा है, जैसे हम कभी कभार वीडियो बनाते बनाते हम भूल जाते हैं, हम पॉइंट को भूल जाते हैं कि हमने कौन सा पॉइंट बोलना था, कभी कभार हमारे माइंड में स्किप हो जाता है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि ये पहले 437 MB की, और देखिए जहाँ पर मैंने पॉज लिया था इसने वहां पर कट कर दिया है, मुझे वीडियो वहां पर चलाने ही नहीं। तो मैं यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करूंगा टाइमलाइन के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये खुद ब खुद ही कट लगा है, मुझे एडिटिंग करने की अब कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे यहाँ पर कोई कट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे कंट्रोल बी के साथ कट करके फिर उसको डिलीट करना पड़ेगा, फिर उसको ऐसे सिलेक्ट करके उसके साथ अटैच करना पड़ेगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरा जो काम है वो फिल्मोरा ने कर दिया है। तो इससे आपके एडिटिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा आसानी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, अगली वीडियो में मैं आपको रेंडर प्रीव्यू के बारे में बताऊंगा। आप यहाँ से अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ से कैसे, यहाँ से आप इसकी जो ऑडियो है, जैसे आपने म्यूजिक वीडियो बनानी है तो यहाँ से आप ऑडियो को भी एडिट कर सकते हैं, कैसे एडिट कर सकते हैं यहाँ से आप। तो अगली वीडियो में मैं आपको ऑडियो के बारे में बताऊंगा कि आप ऑडियो को कहाँ से एडिट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। जैसे कि आपको मेन मेन चीजें चाहिए होंगी ऑडियो में, जैसे जैसे कि आप वीडियो म्यूजिक वीडियो बनाते हैं तो आपको यहाँ से बहुत ही आसानी से एडिट करने को मिल जाएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।